व्हाट्सअप भाई जबान है। आज हम बात करने वाले कि अगर आपको सिर्फ 4K शूट करना है तो आपको कैनन M50 या कैनन 200D2 लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने दोस्त से उसका बोया BY-M1 शॉटगन माइक बोरो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा माइक है इस प्राइस के हिसाब से। इसका रिव्यू जल्दी आने वाला है, तो अगर आप कैमरा जो वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको इसका रिव्यू अच्छा लगेगा। अब अगर मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊं कि क्या आपको सिर्फ 4K के लिए कैनन M50 या 200D2 लेना चाहिए, तो उसका आंसर है नहीं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। तो मैं सब कुछ जल्दी से बताता हूं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो 15 मिनट का हो गया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बकबक बहुत हो रही थी उसके अंदर। तो इसके तीन मेन रीज़न है। सबसे पहला मेन रीज़न ये है कि उसमें ऑटो फोकस जो होता है कैनन का डुअल पिक्सल, जो कि आप अभी काम करते हुए देख सकते हो, जो कि मुझे ईजिली पकड़ लेता है, और मैंने इसको स्पॉट पे रखा है। तो मतलब अगर मैं इस एरिया में, मतलब इस एरिया के अंदर कुछ भी चीज़ लाऊंगा तो ये एक सेकंड में फोकस कर लेगा, मैं स्क्रीन को टच नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ ऑफ हो जाती है और आपका थोड़ा स्लोअर टाइप का जो कि होता है कॉन्ट्रास्ट बेस्ड डिटेक्शन ऑटो फोकस, वो ऑन हो जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो ब्राइटर पार्ट्स होंगे वहाँ वो फोकस करेगा, और आपके जो डार्कर पार्ट्स होंगे वीडियो में वहाँ वो फोकस नहीं करेगा। तो आपका अगर सेटअप इस तरीके से वेल लिट, इवनली लिट हो, मतलब कुछ ऐसा डार्क पार्ट्स नहीं हो, जैसे बस ये PC डार्क है, बैकग्राउंड ठीक से दिख रहा है अगर मैं इस पर फोकस करूँ, तो भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड ठीक से दिख रहा है अगर मैंने उस पर फोकस किया, तो अगर आपका इस टाइप का सेटअप है तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर क्रॉप बहुत ज़्यादा है, और अगर आप M50 ले रहे हो तो उसका क्रॉप से बचने का एक तरीका है, पर आपको वो 63,000 का पूरा सेटअप मिलेगा, जितने में आप फॉरेन से सोनी के कैमरास खरीद सकते हो। अब उसका क्रॉप जो है वो 2.6 टाइम्स क्रॉप है, मतलब आपका 10mm का लेंस, जो कि कैनन का वाइड एंगल लेंस आता है 18,000 का, वो 26mm हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं, 26mm तो हो जाएगा, 26mm से आप व्लॉगिंग कर सकते हो, पर उसमें ऑटो फोकस नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक वाइड एंगल पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो और आपको 26mm मिल रहा है, तो आप खरीद क्यों रहे हो उसको। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कैनन 200D2 ले लिया तो उसमें आप कोई उपाय नहीं कर सकते उस क्रॉप का, क्योंकि वो एक DSLR है और उसके अंदर आप कोई भी स्पीड बूस्टर, मतलब कि आप ये चीज़ नहीं लगा सकते। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोज़ डाल दूंगा, आप वहाँ पर समझ सकते हो इसमें होता क्या है। थर्ड चीज़ ये है कि इसके अंदर रोलिंग शटर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कैमरा को भी राइट लेफ्ट करके दिखाऊं, अगर मैं आपको कैमरा को राइट लेफ्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो थोड़ी सी चीज़ें टेढ़ी हो रही है, पर इतना तो नॉर्मल होता है ज़्यादातर कैमराज के अंदर। अगर मैं इतना भी तेज़ हिलाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे से नोटिस नहीं कर पा रहे हो, पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है रोलिंग शटर। आप इसके सैंपल्स देख सकते हो यूट्यूब पे। ये थे तीन मेन रीजंस कि ये क्यों नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जगह आपको क्या लेना चाहिए। बजट रेट में 4K कैमरा कोई भी नहीं है कैनन का जो कि अच्छा हो और प्राइस उसका काफ़ी अच्छा हो। वहाँ पर आता है पैनासोनिक के कैमरास, क्योंकि उनका जो 4K होता है वो कैनन से सुपीरियर है, क्योंकि उनका कोडेक जो है, मतलब उनका जो फाइल को राइट करने का फॉर्मेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कैनन के नॉर्मल MP4 फॉर्मेट से। प्लस कैनन के जो प्री एम्स होते हैं, मतलब उनका जो माइक पोर्ट होता है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव माइक्रोफोन यूज़ करते हो तो आपको उसकी 100% क्वालिटी आपको मिल जाएगी। पैनासोनिक के अंदर आप स्पीड बूस्टर लगा के काफ़ी ज़्यादा वाइड आप शॉट कर सकते हो और काफ़ी बेटर दिखेगा, और वो आपको पूरा सेटअप सस्ता मिलेगा, क्योंकि पैनासोनिक G7 आता है 35,000 का, उसका स्पीड बूस्टर आता है 13,000 का, और अगर आप कुछ 50mm ले लो वो आपको 6-7,000 मिलता है, और आपका 52,000 में पूरा सेटअप हो जाएगा पैनासोनिक के साथ, जहाँ की आप अगर M50 लेने जाओगे तो आपको 52,000 का तो वो कैमरा ही मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मेरी कैनन की बैटरी जो है वो एकदम खत्म होने वाली है, तो मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। 30 मिनट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई टॉक टू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट। अगर आपको पूरे वीडियो में थोड़ी हिस की आवाज़ आ रही हो तो मेरी एक्सटेंशन केबल जो है वो खराब हो गई है शायद, तो थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ रही है, पर अभी आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया तो आपको नहीं पता चला होगा।